नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज झारखंड और मैं पप्पू आरती। आज हम बात करने वाले हैं गोड्डा लोकसभा की। चूंकि देश भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है, ऐसे में गोड्डा लोकसभा चुनाव भी काफी हॉट सीट माना जाता है। यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों के कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो एम्स हो, एयरपोर्ट हो या त्रिपुर रोपवे हादसा हो। हर घटना, हर बड़े कार्यक्रम की चर्चा देवघर से लेकर के दिल्ली तक हुई है। इसमें किसकी जीत किसकी हार हुई वो सभी के सामने है, लेकिन सांसद का जो रिजल्ट है वो इस चुनाव के बाद ही घोषित होने वाला है। और लोग जब भी फोन करते हैं या मिलते हैं तो वो जरूर पूछते हैं कि माहौल क्या है। तो माहौल समझने से पहले आपको समझना होगा कि इस बार जो है जनता किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में वोट करने जा रही है और नेता जो है वो किस मुद्दे को लेकर के अपने चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसे समझने से पहले आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि माहौल क्या है और आप खुद बताइएगा कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है और इसमें किसकी जीत किसकी हार वर्तमान में अभी का जो माहौल है उसमें अभी तक किसकी पलड़ा भारी दिख रही है, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखें। आज क्या करो वासर फाटी गल से सब क्या कहिए, लेकिन कौन चीज करे वाला साहब पैसा दिए नहीं छे को दल को यार वह सब जनता भी कर लो। अच्छा सरकारी जमीन एक स्वास्थ्य केंद्र वास्ते जमीन भी उपलब्ध छे सर। स्वास्थ्य केंद्र में हमरा से नहीं बात। अच्छा एगो सभा भवन छे सर जे निर्माण तक हो गेलो छे, पूर्ण नहीं होलो छे, 2006-07 में होलो छे। हां नहीं नहीं ये स्कूल छे सर नेक बराबर हमरा से नहीं बात कर सर। पिछले बेर अपने मंच पर खड़ा देख कहलो वहाँ सभी स्वजम सोसे गाँवक जनानी वर्दना बुतरू साबी छ सर, आरती लगाए अपने वही खड़ा कर लेके ऊ चीज बोल के आर गांव के 100% वोट तोरा दिलको साबी सर। तो वह समस्या वास्ते दिलको कौन समस्या वास्ते गधा सर सर बुतरू भेक बचे सर में कख गघ वहाँ जाने छे कौन समस्या वास्ते अपने वास्ते आलो छे हमने सर। ये काम हमरा हाथे में नहीं छे ओकरा दोसर नंबर में सर मंदिर वास्ते कलज लाद काम मंदिर बनी रहल छे बहुत अकरा अधूरा काम छे सर। मेरा पैसा नहीं मिलल छे ना सर अपना यहां के ना ना हम रसीद काटी के जमा छे अपने ऑफिस में सर। अरे अपने कोनो भी कर लो छे सर तो शायद जे रहल छे निकली रहल छे कहीं चलो की जे रहल छे बोले अभी ना पारबो। ये मंदिर के बना रहे मंदिर सार्वजनिक रूप से अभी मिली बनने का वाला नहीं के बना रहे और मंदिर हां सर ये मालिक के से मंदिर के बना रहे हम नहीं आती है सर सिकंदर राणा जी नाइन नंबर थ्री 413-6246 सर एगो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जनता जो है बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य शिक्षा पानी को पहली प्राथमिकता दे रही है। यह वीडियो आज का है झरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के बेदूपुरा गांव का, जहां पर लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि महोदय चापाकल खराब है, जलमार्ग भी बेकार पड़ा हुआ है, एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन लिया गया था उसका भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, स्कूल नहीं है, बच्चे कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को सुनने के बाद सांसद जो हैं एकाएक मना करते दिख रहे हैं, स्कूल के लिए भी हमें मत बोलें, स्वास्थ्य के लिए भी मत बोलें और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद ग्रामीण जो हैं वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि महोदय आपने पिछली बार हाथ में अगरबत्ती लेकर के हाथ में दीपक लेकर के बोले हुए थे कि हम करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। जिसके बाद जनता को समझ में आता है, ग्रामीण को समझ में आता है कि सांसद महोदय शायद इन तमाम मुद्दों के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, वो एक बार फिर से मंदिर के मुद्दे को लेकर के ही हमारे गाँव में आए हैं। तो उन्होंने मंदिर के मुद्दे को भी सांसद महोदय के बीच में रख दिया और जैसे ही उन्होंने कहा कि महोदय सामने देखिए एक मंदिर है जो कि आधा अधूरा बना है, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस पर सांसद महोदय तुरंत कहते हैं कि लिख लो इसे, और पीछे उसका एक आदमी खड़ा होता है वो तुरंत उसे लिख लेते हैं। तो इससे तो एक चीज़ साफ समझ में आती है कि जनता जो है बुनियादी सुविधाएँ स्वास्थ्य शिक्षा और बेरोजगारी जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त देश भर में चल रहा है वो है। और बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं यहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे वो एक बार फिर से
अपने पुराने चुनावी मुद्दे जो हैं, मंदिर का मुद्दा, उसी को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी तक सांसद महोदय का जिस प्रकार से तमाम जगहों पर विरोध के वीडियो सामने आए, उससे पहले उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अगर प्रदीप यादव जी को टिकट मिलता है तो हम चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन जैसे ही टिकट मिला प्रदीप यादव को, दूसरे दिन उन्होंने पोस्ट डाला और खटिया पर सोए हुए उन्होंने कहा कि हम तो आज से शुरू कर दिए कि कहीं पर जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे और चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, धीरे धीरे उनका चुनावी दौरा जो है बढ़ते गया और चाय नाश्ता का जो शेड्यूल है वो धीरे धीरे बंद हो गया और अब पूरी तरह से वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं और चुनाव प्रचार करने लगे हैं। तो इसमें अभी तक जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं सांसद महोदय इस चीज़ में तो हार गए हैं। उन्होंने जो बात कही थी कि हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और मुड़ी घुगनी खाएंगे, चाय पियेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो उस चीज़ में उन्होंने हार मान लिया, वो चुनावी दौरे शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ अगर हम अब देखें तो प्रदीप यादव की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि पहले दीपिका सिंह पांडे को टिकट मिला, उसके बाद तो टिकट रिटर्न होना, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में टिकट काटना और फिर दूसरे प्रत्याशी को टिकट देना, यहाँ पर प्रदीप यादव की बड़ी जीत दिख रही है। और अगर आप क्षेत्र की बात करें तो उनका चुनावी मुद्दा जो है, उनका चुनावी मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा और सहारा इंडिया का पैसा रिटर्न जो है, वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा दिख रहा है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में सपोर्ट भी मिल रहा है। सांसद की हम बात करें तो निशिकांत दुबे की, तो उसके सामने बड़ी संकट खड़ी हो गई है। आपने देखा होगा दो तीन दिन पहले कटवन पंचायत के कटवन गांव में ही सांसद महोदय की पत्नी आई हुई थी, उससे पूछा गया कि सहारा इंडिया का पैसा हम लोगों का डूब गया, आपने एक बार भी चर्चा नहीं किया, सांसद महोदय ने हम लोगों के पैसा के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। तो उसकी पत्नी साफ साफ करती दिख रही है कि सांसद महोदय से बोल के आपने पैसा दिया था, उससे पूछा था। तो ग्रामीण भी इतना तो समझदार जरूर है कि कोई भी कंपनियां आती है तो वो भारत सरकार से परमिशन लेती है, भारत सरकार के नज़र में वो चीज़ें रहती है, तभी वो लोगों के बीच आता है और पैसा लिया जाता है। तो फिर लोगों ने उससे सवाल किया और काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ। आज भी हमने देखा सारवा के कई जगहों पर सांसद महोदय का विरोध हुआ। कल आपने देखा होगा सरियाहाट में 1932 खतियान को लेकर के एक आदिवासी युवक ने भी सवाल पूछा, तो वहाँ पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट किया, ऐसी वीडियो दिख रही है। हम उसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि हम वहाँ खड़े नहीं थे, लेकिन उसको लेकर के वो प्रदीप यादव भी आज पोस्ट किए हुए हैं कि थाना गया था, FIR नहीं हुआ, अगर कल तक FIR नहीं होता तो हम खुद धरने पर बैठेंगे। तो वहाँ की घटना है, आपने देवीपुर में देखा होगा, वहाँ भी कुछ ग्रामीण हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपने रोड के लिए बोला था लेकिन काम नहीं किया तो वोट मांगने क्यों आए, 4-5 साल आप कहीं दिखाई नहीं पड़े और अचानक वोट के समय यहाँ आ गए। इससे पहले आपने मोहनपुर में देखा होगा कि किस प्रकार से विरोध हुआ, वहाँ भी लोगों ने यही बात पूछा। तो अभी तक की लड़ाई जो दिख रही है, इसमें कहीं ना कहीं सांसद के लिए मुश्किल है, प्रदीप यादव के लिए राह आसान है। अभी तक जो माहौल दिख रहा है, जो चुनावी मुद्दे हैं, अभी तक में तो यही साफ साफ दिख रहा है कि निष्काम दुबे जो बात एक ही है, मंदिर का मुद्दा, और उन्होंने मंदिर के मुद्दे के लिए ही, हमको लगता है कि इससे पहले जो 1-1 लाख रुपया अपने लोकसभा क्षेत्र में मंदिर निर्माण के लिए दिया था, तो उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कि हम अगर 1 लाख रुपया करके मंदिर गांव-गांव में बांटेंगे मंदिर के लिए तो हमें चुनाव में आसान होगा। लेकिन वो अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसे भारी पड़ रहा है, वो मुद्दा काम नहीं आ रहा है। तो हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ ज्वाइनिंग जो है बीजेपी में हुए है, लेकिन बीजेपी में जो नया ज्वाइनिंग हुआ है वो तमाम लोग जो हैं वो नेता है, वो तमाम लोग विधानसभा के टिकट के लिए भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जगमुंडी से जितने भी लोग बीजेपी में जुड़े हैं, निष्काम दुबे के नेतृत्व में जितने भी लोगों ने पार्टी का दामन थामा, वो तमाम लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। देवघर के जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो वो लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे सांसद को, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा, क्योंकि सभी लोग ये भी समझते हैं कि अगर 2-3-4 कैंडिडेट को ये ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो टिकट किसको मिलेगा, ये भी संशय बना हुआ है। लेकिन एक सबसे बड़ी मुश्किल सांसद के सामने ये भी है कि उनके अपने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो लोग भी विरोध करते दिख रहे हैं। परेशानी का कारण ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो
रघुवर दास के मुद्दे को लेकर के भी उसे घेर रहे हैं कि आपने रघुवर दास जी का विरोध किया, आपने राज परिवार जी का विरोध किया, आपने गंभीर सिंह से लड़ाई कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सांसद को अभी तक घेरे हुए हैं और वो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। तमाम लोगों को ज्वाइनिंग करवाए हैं, वो लोग नए नए पार्टी में आए हैं, वो लोग क्या कुछ सपोर्ट करेंगे ये भविष्य में बताएगा, चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनके जो अपने लोग हैं वो फिलहाल उतनी एक्टिव नहीं देख रहे हैं कि हम सांसद के साथ चुनावी प्रचार में हैं। वो लोग पार्टी के लोग लगातार विरोध ही करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।